सभी को जय मसीह। सर्वप्रथम मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें मौका दिया यहाँ खड़े रहने का और उसकी स्तुति और आराधना करने का, और धन्यवाद देती हूँ हमारे आदरणीय डीएस सर का जिन्होंने वर्ल्ड डे प्रेयर 1 मार्च को होने के बावजूद भी ये आराधना का जो क्रम है संडे के दिन हमें प्रस्तुत करने के लिए मौका दिया। उसी तरह पास्टर कमिटी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि आज उनका पास्टर कमिटी का मीटिंग है। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी, हम सभी भाई बहनों के लिए जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रभु का वचन सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। वचन सुनने से पहले हम दुआ करेंगे। हे हमारे पवित्र पवित्र जीवित खुदा परमेश्वर मसीह, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो वचन पिता परमेश्वर बोलने के लिए आपने मुझे यहाँ खड़ा किया है पिता परमेश्वर, वचन बोलते समय मेरे जुबान को छू लीजिए पिता परमेश्वर, मेरे बुद्धि का, मेरे हृदय का, मेरे मन का आप कंट्रोल ले लीजिए पिता परमेश्वर। बोलने वाला वचन ही आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मुझे पूरी रीति से आप खाली कर देना पिता परमेश्वर, और आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला रही यहाँ का आगे का समय आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो वर्ल्ड डे प्रेयर का थीम है यानी कि जागतिक प्रार्थना दिवस जिसे हम कहते हैं, उसे हम सब ने अभी सुना है इस बद्दी वाचन में कि फिलिस्तीन एक देश है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। और फिलिस्तीन की महिलाओं ने ये जो उपक्रम है, ये अभी जो हमास और इज़राइल का वॉर चल रहा है ये अभी नहीं बनाया है, लेकिन उन्हें ये उपक्रम 2 साल पहले मिला था और 2 साल तक वह ये उपक्रम बनाते आई है। और अभी अभी ये हमास और इज़राइल का जो वॉर शुरू हुआ है हम देखते हैं। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने फिलिस्तीन की महिलाओं को के प्रार्थना के लिए हमें सबसे विनती की है। पौलुस विशेष रूप से हमें यहाँ पर विनती करता है और अपनी पत्री में वो लिखता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ, वचन हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चले। इफिसियों की पत्री, जो बंदी गृह की पत्री भी कहा जाता है या उसे प्रिजन लेटर्स भी कहा जाता है, ऐसा कहते हैं कि पौलुस ने कम से कम 60 या 61 शताब्दी में रोमी साम्राज्य के दिनों में ये बंदी गृहों में ये पत्री को लिखा है। पौलुस यहाँ पे हमसे निवेदन करता है कि हमें सहना है और एक दूसरे का प्रेम से सहना है, ऐसा पौलुस कहता है। लेकिन वही पौलुस हमें उसकी पत्री में कहता है, इफिसियों की पत्री उसका गलातियों की पत्री उसका 4:1 में हमसे कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः हमें इसमें स्थिर रहना है और दासत्व के जुओ से हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए फिर से दासत्व में फिर ना जुड़ो। एक तरफ पौलुस कहता है कि उसने हमें स्वतंत्र किया है प्रभु परमेश्वर ने, और यहाँ पर इफिसियों की पत्री में वह लिखता है कि प्रभु में मैं बंदीवान हूँ। आखिर पौलुस अपने आप को बंदी क्यों कहता है? पौलुस किस रीति से बंदी था? ये बंदी का मतलब क्या है? बंदी का मतलब है कि हम पाप से तो स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन प्रभु यीशु के लहू से हमें खरीदा गया है और उसका हमारे ऊपर अधिकार है। हमारे सिर पर, हमारी सोच पर, हमारे हाथ पर, हमारे पाँव पर, हमारे पूरे शरीर पर उसका अधिकार है और हमें अनिवार्य है कि हम उसके अनुसार चलें। इसलिए पौलुस कहता है कि ये शरीर तुम्हारा नहीं, तुम तुम्हारे शरीर के लिए मर गए हो, तुम्हारे पापों को ही नहीं लेकिन तुम्हारे शरीर को भी उस क्रूस पर मैंने उठाया है, हमारा बोझ उसने उठाया है और हमें पाप से उसने स्वतंत्र किया है, लेकिन आज हमें उसका बंदी होने के लिए पौलुस कहता है। पौलुस जो एक रोमी सरकार के अधीन काम करता था, और हम जानते हैं कि वो एक सरकारी ओहदे पर था, तब वह मसीह लोगों को सताया करता था, और जब वो मसीह का दर्शन उसे प्रेरितों के काम इसके 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसे हुआ, तो वह प्रभु यीशु मसीह का दीवाना हो गया और प्रभु यीशु ने उसे अपने नाम से उसे बुलाहट दी, तो उस बुलाहट के अनुसार वह चलने लगा। और वह बुलाहट क्या थी मेरे प्रियो? उस प्रेम की बुलाहट थी।
क्योंकि पौलुस तो सब चीजें करता था लेकिन क्रोध करता था, मसीह के लोगों को सताता था। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि कुरिन्थियों की पत्री में कि हमने सब चीजें प्राप्त कर ली लेकिन हम में अगर प्रेम नहीं है तो हम किसी भी उपयोग के नहीं, हम किसी भी काम के नहीं। पौलुस ने ये चीज जान ली और उसने धीरज धर कर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया उस सदा के साथ। जब वो पौलुस बड़े ओहदे पर था, उसको मान सम्मान मिलता था और वो कलीसिया के लिए और उसके इसराइली लोगों के लिए एक आइडल था और वो लोगों के ऊपर अपना राज करता था, लेकिन जब मसीह का प्रेम उसे प्राप्त हुआ तो उसने अपने आप को खाली कर दिया और वो वचनों में कहता है कि मैं ये सब कूड़ा और कचरा समझता हूँ। और सदाव के लिए उसने ये सहा है और सहते सहते धीरज धर कर विश्वास में अंत तक पहुंचती रहा। वो ऐसा क्यों कर पाया मेरे प्रियो? क्योंकि उसके पास मसीह का प्रेम था और ना कि सिर्फ प्रेम था, उसको एक विश्वास था मेरे प्रियो। वो विश्वास क्या है जो आप और मैं साझा करते हैं मेरे प्रियो? वो विश्वास है कि हम आज नहीं तो कल प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा और हमारा जो रिवॉर्ड है मेरे प्रियो, वो रिवॉर्ड देने वाला हमारा यीशु मसीह है, दुनिया नहीं है। हम आज इस दुनियादारी के रीति में देखते हैं कि हम कोई भी अवार्ड या रिकग्निशन मिलने के लिए क्या क्या चीज करते हैं। जो भी चीज नहीं है वो झूठ का सच, सच का झूठ करके हम दिखाते हैं ताकि लोग हमें अवार्ड दें। लेकिन यहाँ पर अवार्ड और रिवॉर्ड ये दोनों चीजें अलग अलग है मेरे प्रियो। हमें प्रभु यीशु से रिवॉर्ड मिलेगा और वो हमारे विश्वास के अनुसार, हमारे कार्य जो हमने धीरज धरकर किए हैं उसके अनुसार हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा। जबकि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के फल जो गलातियों की पत्री इसका 5:22 में हम पढ़ते हैं कि जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के फल मिलते हैं और पवित्र आत्मा के फल अगर हम में है मेरे प्रियो तो ही हम प्रभु यीशु में बंदी है, अन्यथा नहीं है मेरे प्रियो। अगर हम प्रभु यीशु में बंदी है तो हम में ये जो पवित्र आत्मा के फल है वो जरूर दिखाई देते हैं और प्रभु की इच्छा को हम पूरे करते हैं। पौलुस को जब वो बंदी गृह में था, सताव सह रहा था, उसको मार डाला जा रहा था, तब वह सहता गया लेकिन उसको शक्ति कौन दे रहा था? उसको शक्ति देने वाला, उसको सहाय करने वाला पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह था। हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 2:18 कोई मेरे लिए पढ़े। इब्रानियों 2:18 क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो उनकी भी सहायता करता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। प्रभु का वचन कहता है कि जब वह परीक्षा में प्रभु यीशु जब दुख उठाया तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, उसके दुख में, उसके सताव में, उसके मुसीबतों में अकेला नहीं था। और पौलुस इसी बात से खुश था कि पौलुस अकेले नहीं है, उसके साथ में पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह है। इसी तरह हम भी प्रभु यीशु मसीह में अगर हम सह रहे हैं, किसी सताव से जा रहे हैं, किसी मुसीबत से जा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे वचनों के द्वारा कहता है कि हम अकेले नहीं है, कि जो उस पर विश्वास करते हैं उसे वो सामर्थ्य देता है, उसे वो सहायता देता है और धीरज धरने की आत्मा देता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आज अगर हमें भी यह बुलाहट दी है मेरे प्रियो, तो पौलुस जैसे क्या हम सहते हुए चलते हैं क्या मेरे प्रियो? उसी के अनुसार वचन हमसे कहता है कि जो बुलाहट के अनुसार तुम बुलाए गए हो उसके अनुसार चलो। मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करना चाहूंगी, कोई भी हंसी का जरा आ गया ना, और यहाँ पे जरा थोड़ा सा यहाँ से हाथ तक हमें चल के दिखाना, बस यहाँ से नॉर्मल चल के दिखाओ, यहाँ से आगे और यहाँ से हाथ तक बस चलना है। अभी अभी मैं सिस्टर को यहाँ पे हमने चलते हुए देखा है, राइट? चलते हुए सिस्टर आप दोनों हाथ दोनों पैर से चल रहे थे क्या? नहीं नहीं, दोनों हाथ दोनों पैर से चल रहे थे लेकिन दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ चल रहे थे क्या सिस्टर के? आपने ऑब्जर्व किया दोनों हाथ और दोनों पैर से चल रहे थे सिस्टर के? दोनों हाथ एक साथ आगे थे, दोनों पाँव एक साथ आगे थे, या राइट हैंड और राइट लेफ्ट आगे, राइट लेग आगे था, या राइट हैंड और लेफ्ट लेग आगे था, क्या था? एक हाथ आगे था तो एक हाथ पीछे था मेरे प्रियो। उस
सी जब हम चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे बॉडी का कंट्रोल प्रभु परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि हमारा कंट्रोल इस ब्रेन में, इस सिर में रखा गया है। सिर हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, सिर हमको बोलता है, ब्रेन बोलता है कि चलो, तो हम चलने लगते हैं। हम किसी के बोलने के अनुसार नहीं चलते हैं। अगर कोई हमको बोलेगा दोनों हाथ उठा के चलो, दोनों पाँव उठा के चलो, तो हम चलते हैं क्या? हम चलते हैं सिर के हिसाब से। इसका मतलब है अगर सिर सलामत है, सिर अगर सही है, तो पूरा बॉडी या शरीर पूरी तरह से बराबर चल सकता है। मेरे प्रियो, हमारा शरीर, हमारा, हम किसी के अंग है? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के अंग है। और हमारा सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो अगर हमारा सिर है तो हमें उसके अनुसार चलना अनिवार्य है। हमें हमारे मन का या किसी का सुनना नहीं है, लेकिन जो हमारा कलीसिया का, हमारे स्पिरिचुअल, हमारा जो सिर है वो हमारा प्रभु पिता यीशु मसीह है, उसके अनुसार हमें चलना है। क्योंकि वो हमें कहता है उसके बुलाहट के अनुसार हमें चलो चलना है। और उसके अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं तो हम किसके अनुसार चलते हैं? आप भी अपने आप को सवाल पूछिए मेरे प्रियो। उसी तरह पौलुस यहाँ पे कहता है कि उसके बुलाहट के अनुसार चाल, योग के चाल चलो, अर्थात सारी नम्रता सहित और धीरज रख कर चलो। मैं एक सवाल यहाँ पर हमारे लेडीज लोग को पूछूंगी। आज वर्ल्ड डे प्रेयर है महिलाओं के लिए, तो सॉरी मैं महिलाओं को एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो अटायर हम पहनते हैं, वुमेन्स के अटायर बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे जीन, सलवार, कुर्ता एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी पहनते हैं, तो हर एक अटायर में आप एक जैसे चलते हैं क्या? आपकी ओर से मुझे सवाल उत्तर चाहिए। जीन्स पहनते हैं तो आपका एटीट्यूड कैसा होता है? कैसा होता है? जीन्स पहनते तो एकदम रफ एंड टफ चलते हैं ना। अगर सलवार कुर्ती डालते हैं तो भारतीय नारी की तरह चलते हैं, एकदम अच्छे से स्वभाव से। और उसके ऊपर अगर साड़ी डालते हैं तो हम कैसा चलते हैं? कैसे चलता तुम्हें साड़ी डालते और कैसे चलता? संभाल संभाल चलते हैं, संभाल के चलते, जबून जबून चलते। क्यों चलते हैं? ताकि हम गिर ना जाए मेरे प्रियो। आज हमने किसे परिधान किया है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह को परिधान किया है। वचन हमें यह कहता है, गलातियों इसका तीसरा अध्याय 26 से लेकर 29 वचन हमारे लिए कोई पढ़े। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह में यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को परिधान किया है, यानी उसको पहन लिया है, तो उसके अनुसार हमने चल लिया है, चलना है। अगर हम साड़ी पहनते हैं और जीन्स जैसे अगर हम एटीट्यूड बताते हैं तो ये क्या स्वाभाविक है? नहीं है। अगर हम मसीह को पहन रखा है और ये जो पहनावा है, जो हमने परिधान किया है, ये दुनिया के तौर पर तो किसी को नजर नहीं आता है, लेकिन ये पहनाव जो हमने पहना है वो स्वर्गीय पिता को दिखने में आता है, और वो जानता है कि तुमने उसका वस्त्र पहना है। और जब हम रेवलेशन में पढ़ते हैं, जब वहां पर यूहन्ना उसको पूछता है, उस दूत को पूछता है कि सफेद कपड़े डाले हुए लोग कौन है, तो यहाँ पर वो दूत उसको कहता है ये श्वेत पर वस्त्र परिधान किए हुए वो लोग है जो बहुत परीक्षा में से आए हुए मेरे प्रियो। आज हमारे लिए सवाल है, क्या जो वस्त्र हमने बपतिस्मा लेकर हमारा जो तारणकर्ता उद्धारकर्ता के नाम से परिधान किया है, क्या उसके अनुसार हम हमारी चाल चलते हैं क्या? हम बहुत अच्छा वचन, हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं, हमारा लेम्बर गाते हैं कि मेरा उठना बैठना किसे भाता रहे? तुझे भाता रहे। क्या हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना लोगों को भाने के लिए है या प्रभु परमेश्वर को भाने के लिए है? भजन संहिता में और लिखा गया है कि तुम्हारा उठना बैठना किसके साथ होना चाहिए, और हम आज किसके साथ उठते बैठे हैं उसी के ऊपर हमारा चलना निर्भर है मेरे प्रियो। हमें हमारा उठना बैठना देखना है, और देखना है अगर हम बैठते भी होंगे, दुनिया है हमें, क्या दुनिया से अलग होकर नहीं रखा गया है? दुनिया के बीच में रखा गया है ताकि उसका गौरव, उसकी
की महिमा हो सके। हमें ये याद रखना है कि हमने किसे पहना है, हमें ये याद रखना है कौन सा वस्त्र हमने पहना है, क्योंकि ये वस्त्र छोड़कर हम स्वर्ग नहीं जा सकते। ये वस्त्र के साथ हमें वहां पर प्रवेश है मेरे प्रियो। अगर ये वस्त्र नहीं है तो स्वर्ग में हम नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि जिसका वस्त्र एक बार फट गया है उसको अगर तुम कितना भी जोड़ोगे तो वो वस्त्र फिर से एक जैसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पहनाया है प्रभु यीशु मसीह ने। बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। हम यहाँ पर बैठे हुए सब लोग उसके चुने हुए है। इस सारी दुनिया में करोड़ों लोगों में आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने वो वस्त्र पहनाया है मेरे प्रियो। और ये वस्त्र अगर हमारा फटा हुआ है तो हमें प्रभु के पास जाना अनिवार्य है। इस उपवास प्रार्थना में प्रभु से विनती करना है कि प्रभु हमारा आत्म परीक्षण कर। चाहे लोग हमारा ये वस्त्र ना देख पाए लेकिन प्रभु आप हमारा ये वस्त्र देखो कि ये फटा हुआ है या अच्छा है या बुरा है मेरे प्रियो। वो वस्त्र अगर हम श्वेत रखेंगे तो ही हम जा सकेंगे। इसलिए हमारा चलना उसके अनुसार, बुलाहट के अनुसार हमारा चलना होना चाहिए। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में आज तो सिक्योरिटी के लिए बहुत लोग कुछ करते हैं, सिक्योर कैमरास लगाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें करते, क्यों? सेफ्टी के लिए। और आजकल तो नया ट्रेंड निकला है कि लोग पिस्टल लेके जाते हैं, बंदूक लेकर अपने पास रखते हैं, कोई शस्त्र अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं वस्त्र शस्त्र? प्रोटेक्शन के लिए। एक बार आपके हाथ में मैंने बंदूक दे दी सुनील ब्रदर, आपके हाथ में मैंने बंदूक दे दी, पिस्टल दे दिया, आप पिस्टल आपके पॉकेट में है, आप नांदेड़ में चलोगे, आप कैसे चलोगे? रुबाब से चलेंगे, नीडर होकर चलेंगे। क्यों चलेंगे? कौन आ सकता है मुझे यहाँ पर हाथ लगाने के लिए, राइट? हमारे मसीह जीवन में भी ऐसा ही है मेरे प्रियो, लेकिन वो शस्त्र कहाँ है ये हमें पता ही नहीं है। दाऊद ने भी वो शस्त्र अपने बचपन से उसके पास में था मेरे प्रियो। जब गुलियात और दाऊद का युद्ध होने वाला था तो दाऊद इस बात से अनजान था, सारा इज़राइल लोग डर गए थे, लेकिन दाऊद डरा नहीं, वो निडर होकर गया। और जो वहाँ के राजा लोग थे उसको बोल रहे थे ये कवच पहन लो, ये शस्त्र लो, ये भाला ले लो। दाऊद बोला ये मैं तो इतना छोटा हूँ, मेरा वजन भी उतना नहीं है, मैं इतना कहाँ से उठाऊंगा। उसको पता था कि मेरे पास में गुलेल है, उसने सिर्फ गुलेल लिया और पत्थर लिया नदी में से और उसी से गुलियात को मारा। ताकत उस गुलेल में थी क्या? ताकत किसमें थी? प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, दाऊद कहता है जो मुझ में है, जो संसार में है उससे बड़ा है। क्या आज हम ये सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं कि जो आपके अंदर है वो संसार में है उससे बड़ा है क्या? क्या हम आज उसकी गुलाहट को इतने आसानी से लेते हैं? प्रभु को कोई और नहीं मिला, मुझे ही चुन लिया, मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही क्यों करूं, मेरा काम है क्या, मैं ही हर बार क्यों करूं? ये सवाल अगर हम कर रहे हैं तो हम उसकी गुलाहट को अनदेखा कर रहे हैं। अगर हम उसकी गुलाहट को अनदेखा कर रहे हैं तो हमें जवाब उसे देना होगा, किसी और को नहीं, क्योंकि रिवॉर्ड आपको यीशु मसीह देगा, कोई और मनुष्य आपको ये रिवॉर्ड नहीं देगा मेरे प्रियो। पौलुस यहाँ पे कहता है कि आपकी और मेरी गुलाहट क्या है? आपकी और मेरी गुलाहट वचन 2 में लिखा गया है, इफिसियों की पत्री 4:2 में पौलुस कहता है अर्थात सारी नम्रता और दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सहलो। सहलो? वो भी प्रेम से सहलो, कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता पॉसिबल, सहना ही नहीं होता, कुछ भी सहन नहीं होता, गर्मी सहन नहीं होती, ठंडा सहन नहीं होता, कोई भी वेदर सहन नहीं होता। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार ट्रैवल कर रहे हैं और अगर हमारे बाजू में कोई आगे हमको बोलता है थोड़ा सर्दा ना, हम कैसा रिएक्ट करेंगे? चक करके मुझसे आवाज आती है, सहन नहीं होता है ना। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी, साउथ अमेरिका में एक कपल था जो अपनी 50वीं शादी के सालगिरह मना रहा। वैसे कपल बहुत कम दिखते हैं हमें और वो कपल पूरी फैमिली के साथ में वो अपनी 50वीं सालगिरह मना रहे थे। और वहाँ पर एक पत्रकार आया हुआ था और वो पत्रकार उस कपल को यह सवाल पूछता है कि हाउ कम यू स्पेंड योर लाइफ 50 years टुगेदर, आपने आपके जीवन के 50 साल एक साथ कैसे रहे हैं ये हमें बताओ। ये बहुत ही ऑड
ये बहुत ही और क्वेश्चन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। उस बहन ने उसे उत्तर दिया कि जब हम एक रिश्ते में जुड़ते हैं तो हम उस व्यक्ति को उसकी बुराई के साथ अच्छाई के साथ उसको स्वीकार करते हैं। पारिवारिक जीवन में भी हमें बहुत कुछ सहना पड़ा एक दूसरे के साथ में, मेरी आदतें, मेरा स्वभाव, मेरा व्यक्तित्व, मेरे विचार, मेरा एम, मेरा एम्बिशन, हम दोनों का बहुत अलग था। लेकिन हम में एक बात इम्पोर्टेंट थी, वो बात है कि एक दूसरे के प्रति आदर और एक दूसरे के प्रति प्रेम, जो आज तक हमें संभाले हुए है मेरे प्रियो। ये उत्तर ने वहां बैठे हुए जितने भी कपल्स थे, परिवार के लोग थे, सब शांत हो गए मेरे प्रियो। यानी कि किसी भी रिश्ते में अगर सहना है तो हमें उस रिश्ते में आदर और प्रेम होना अनिवार्य है मेरे प्रियो। अगर हम एक दूसरे को नहीं सहते हैं तो हमारा रिश्ता किसी भी चीज काम का नहीं है मेरे प्रियो। और ये प्रेम हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से दर्शाता है, जो कि पौलुस ने यहाँ पर बताया है मेरे प्रियो। हमारे लिए कोई पहले ग्रंथियों इसका 13:7-8 पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 13:7-8। सॉरी पहले ग्रंथियों उसका 13:7-8। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रेम, धीरज, कृपालु, यही पढ़ाना सोनी फिर से एक बार पढ़ना। समय को बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रेम किस प्रकार से होना चाहिए। यहाँ पे नए नियम में लिखा गया है कि प्रेम अगर है तो प्रेम धीरज है, प्रेम कृपालु है। प्रेम क्या करता है? प्रेम एक दूसरे पर दया करता है, प्रेम एक दूसरे का अपकार नहीं स्मरण करता, प्रेम किसी की बढ़ाई नहीं मारता, प्रेम अनरीति नहीं सहता, प्रेम भलाई करता है और किसी के ऊपर कुकर्म नहीं करता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, जैसे कि यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह यह ऐसा प्रेम का उदाहरण है, जो कि वह खुद प्रेम बनकर हमारे पास में आया और उसने सब कुछ सहा हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, जो गलती उसकी नहीं थी फिर भी उसने सहा। तो ये वचन वहां पर कहता है कि प्रेम धीरज रखता है। अगर प्रेम है तो हमें धीरज होना जरूरी है। प्रेम कृपालु है, अगर प्रेम है तो हमें कृपालु होना है, दाह नहीं करता, हमें दाह नहीं करना है, प्रेम बढ़ाई नहीं मारता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए, उसने कभी बढ़ाई नहीं मारी, अपने आप को ऊंचा नहीं किया लेकिन पिता को ऊंचा किया, उसी तरह हमें भी नम्र बनना है मेरे प्रियो। अगर ये सारी बातें यीशु में है तो पौलुस ने भी यही अपनी पत्री में लिखा है। इफिसियों की पत्री में पौलुस ने इस प्रेम को उपमा दी है, किसी व्यक्ति का प्रेम नहीं लेकिन अगापे प्रेम कहा है। और यह प्रेम क्या है? 6 बार इफिसियों की पत्री में पौलुस ने इस प्रेम का उल्लेख किया है। प्रभु यीशु मसीह हमसे जैसा प्रेम करता है प्रियो, वैसा ही प्रेम पौलुस ने यहाँ पे दर्शाया है, ताकि वो प्रेम आज हम एक दूसरे के साथ में हमें करना है। अगर ऐसा प्रेम अगर हम नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु का आत्मा हमारे अंदर नहीं है मेरे प्रियो, और प्रभु कई अंग हम नहीं है, हम प्रभु के अंग को छोड़कर किसी और राह पर चल रहे हैं मेरे प्रियो। उसी तरह से हम देखते हैं मेरे प्रियो कि अगर प्रेम है तो हमारे पास में विश्वास भी है, क्योंकि इसी पत्री में इफिसियों की पत्री 4:5 में कहा गया है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और बपतिस्मा ही एक ही है। यहाँ पे कहा गया है इफिसियों की पत्री में कि विश्वास एक है, विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराया व्यक्ति नीतिमान ठहराया जाएगा, ऐसा प्रभु का वचन है यहाँ पे प्रियो। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि हम सबका पिता एक है क्या? एक है, यस एक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पिता है स्टीवन नाडे, उनको 5 बेटियां है और हम सारी 5 बेटियों का स्वभाव अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारे विचार अलग है, हम सब रहना उठना सबका अलग है, लेकिन एक चीज हमें कॉमन है, हम किधर भी जाते हैं तो लोग हमें पहचान लेते हैं कि अरे तू स्टीवन नाडे की मुरली है ना, आप स्टीवन नाडे की बेटी हो ना,
पहचानते क्यों? क्योंकि नाक लक्ष्य से पहचान लेते हैं, ये ना दुनिया का स्वभाव है। अरे तुम्हारी आंखें तो अपने पापा पर गई है, नाक अपने मम्मी पे गई है। ये दुनिया की दुनियादारी की ओर से हम लोगों को पहचान लेते हैं कि आप किसके बच्चे हैं। लेकिन क्या आज तक किसी ने आपको यह सवाल पूछा है कि आप मसीह हो क्या? हमारा स्वर्गीय पिता अगर एक है तो क्या किसी ने हमारा उठना बैठना चलना ये देखकर किसी ने हमसे आकर एक भी सवाल पूछा है, आप मसीह हो क्या सिस्टर? पूछा है क्या? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है मेरे प्रियो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर हम हमारे मसीहत को अगर लोगों को नहीं दर्शाते हैं, उस प्रभु को नहीं ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जीना ही व्यर्थ है मेरे प्रियो। उसी तरह अगर हम एक ही पिता के बच्चे हैं तो एक ही झाड़ खट्टा और मीठा फल नहीं देता है मेरे प्रियो। एक झाड़ का फल कैसा होगा? एक ही टेस्ट देगा। अभी डीएस सर ने उदाहरण दिया था संगीता सुनीता सिस्टर के घर पर कि नमक, तुम पृथ्वी के नमक हो, हमें नमक की उपमा प्रभु ने दिया है। तो हमारा ये जो नमक है हमारे अंदर कितना है? यह संसार में रहकर हमने इस नमक को खो दिया है। अगर खो दिया है तो वचन कहता है ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। क्या आज हमने उसके वचन को परख कर देखा है? अगर आज हमने उसके वचन को छोड़ दिया है, उसका जो मिठास, जो नम्रता, जो दीनता, जो धीरज वो हमें अगर नहीं है, तो वो नमक हमारे अंदर नहीं रहा है, उसको हम भूल गए हैं, तो प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसको परखे उसके वचनों के अनुसार। जब ये वचन को हम पढ़ेंगे और उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे उसके वचनों पर और आज्ञाओं पर, तो निश्चय रूप से वो नमक हमारी जुबान पर आएगा मेरे प्रियो। और अगर नमक हमारे जुबान पर आएगा तो लोगों को पता चलेगा कि आप किसकी संतान है। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार में भी यहाँ पे हम पढ़ते हैं, योहन्ना कहता है जब वो लोगों को बपतिस्मा देता है, उसका तीसरा अध्याय 7 और 8 वचन में, जब शास्त्रियों और फरीसी उसके पास में आते हैं और उसको बोलते हैं कि उसको सवाल पूछते हैं बपतिस्मा के लिए, तो उसको वो उत्तर देता है कि आपको पश्चाताप के योग्य फल लाना है। ये पश्चाताप के योग फल क्या है? हमने आत्मा के तो फल देखा है, पश्चाताप के योग्य फल क्या है मेरे प्रियो? ये हमें कौन बताएगा? लेकिन पवित्र आत्मा हमें बताएगा ये पवित्र आत्मा का फल क्या है, ये पश्चाताप के योग्य फल क्या है। पश्चाताप के योग्य फल हमारे यीशु मसीह ने दिया है, उस क्रूस के ऊपर अपना प्राण देकर, अपना हमारे पापों के लिए बलिदान होकर उसने सैक्रिफाइस किया है और वो भेंट चढ़ाई है और वो फल परमेश्वर को दिया है जिसकी चाह परमेश्वर को थी मेरे प्रियो। आज अगर हमने पश्चाताप किया है तो हमारे जीवन में भी पश्चाताप का फल है क्या मेरे प्रियो? ये पश्चाताप का फल कोई आपको नहीं, आपको खुद नहीं पता चलेगा मेरे अंदर ये है मेरे अंदर वो है। एक व्यक्ति ने यहाँ पे बहुत अच्छे से कहा है कि पीपल विल रिकॉग्नाइज यू व्हेन गॉड सल्वेशन इज इन यू, परमेश्वर का अगर पश्चाताप आप में है तो लोग आपको खुद पहचानेंगे। एक सिस्टर को मैं जानती हूँ, वो सिस्टर बहुत सालों से जानती हूँ, वो सिस्टर जब मैं पहली बार उनको मिली थी तो उनका बोलना उठना स्वभाव थोड़ा सा रफ स्वभाव की थी वो, लेकिन वो सिस्टर जब वचन में आए, प्रभु से उनका सामना हुआ, प्रभु को उन्होंने स्वीकार किया, तो वो सिस्टर आज उनके पुराने स्वभाव में नहीं। लेकिन मैं आज उनको बोलती हूँ कि आज आप ना आपके उनको कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं ना वो वचन से आंसर देते। तो बोलते एक समय था जब आपको कुछ भी बोलो तो आप दुनिया की बातें बोलते थे, लेकिन आज तो आपके मुख में आपका प्रभु का वचन है। ये कैसे है? Only because God's salvation. अगर पश्चाताप सही रीति से है तो पश्चाताप का फल आपको बोलने की जरूरत नहीं, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और आपका बदला हुआ जीवन देखकर ही लोगों को पता चलेगा कि आप परमेश्वर की संतान है मेरे प्रियो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा पिता कौन है और हम किसकी आराधना करते हैं मेरे प्रियो। अगर हम यहाँ पर देखते हैं वो कैक्टस का उदाहरण यहाँ पर दिया गया था हमारे बहनों ने, कैक्टस का स्वभाव कैसा है, कैक्टस कहाँ पे उगता है, रेगिस्तान पे उगता है, कैक्टस कैसा है, लचीला है, कैक्टस कैसा है, उसके जड़े बहुत अंदर तक है, वो कैक्टस बाहर से तो बहुत खुरदुरा दिखता है लेकिन वो बहुत स्ट्रांग रहता है, विपरीत परिस्थिति में भी वो खड़ा रहता है। और उसको पैलेस्टाइन के लोगों ने आज का जो वर्ल्ड है प्रेयर के लिए उसे यहाँ पे एक प्रतीक के रूप में यहाँ पे रखा है मेरे प्रिय।
प्रियो क्यों रखा है मेरे प्रियो, क्योंकि वो कैक्टस की तरह हमें भी हमारे आत्मिक जीवन में हमारे जड़े होना चाहिए। उस पैलेस्टाइन के लोगों में भी वो चाहे तो वो कभी भी छोड़ के जा सकते थे, लेकिन वो मसीह महिलाओं के जड़े उसके अंदर थी मेरे प्रियो। उन्होंने छोड़ना नहीं चाहा, उन्हें पैलेस्टाइन छोड़ने की इच्छा नहीं थी क्योंकि उनके जड़े वहां पर थी, उन्हें वो छोड़ना मंजूर नहीं था मेरे प्रियो। हमारे जीवन में भी बहुत से सताव आएंगे, हमारे जीवन में भी बहुत मुश्किलें आएंगी और हमें लगेगा कि मैं पहले ही मेरा जीवन अच्छा था, मैं मसीह के पीछे आकर तो मेरे पास में और सताव आ गया है, लोग हमसे नफरत करने लगे हैं, लोग हमें स्वीकार नहीं करते हैं, अगर मैं लोग नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रहूंगा। अगर आप मसीह के पीछे चलेंगे तो लोग आपका द्वेष करेंगे, लोग आपके पीछे बुराइयां करेंगे, क्योंकि जब मसीह का उन्होंने द्वेष किया, जब मसीह को उसने बालजबुल बुलाया, उसको क्या क्या नाम से पुकारा, तो यीशु कहता है तुम जो मेरे नाम से कार्य करो तो तुमको तो क्या क्या नाम से वो पुकारेंगे। इसलिए हमें स्वीकारना है हानोक को, जैसे हम उत्पत्ति में देखते हैं कि हानोक को 365 साल वो जीवित रहा और वो जीवित में उठा लिया गया। 365 साल वो परमेश्वर के विश्वास में चला, एक साथ चला, उसको पता नहीं कितनी मुसीबतें आई होंगी, कितना सहन करना पड़ा होगा, लेकिन आज एक साल कितने दिन का इसका होता है, दिन का होता है 365 डेज का। हानोक 365 साल चला, एक दिन भी वो प्रभु को छोड़कर नहीं चला। हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रभु के साथ कितना चलते हैं, अगर एक कदम भी हम डालते हैं ना तो शैतान हमारे लिए 10 परीक्षा डाल के रख देता है, तो हमको लगता है नहीं अभी नहीं होगा, बस हो गया, कितना सहना है, सहने की भी एक क्षमता होती है। लेकिन प्रभु ने हमें आखिरी तक विश्वास योग्य रहने के लिए कहा है, क्योंकि जो आखिरी तक विश्वास में रहेगा उसे वो विश्वास का मुकुट देने वाला है मेरे प्रियो। इसीलिए पौलुस यहाँ पे कहता है कि हमें धीरज धरकर एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ सहना है। अगर हम प्रेम से नहीं सहेंगे मेरे प्रियो तो ये मसीहत जीवन हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। और सहना अकेले नहीं है, सबके साथ सहना है, एकजुट से हमें सहना है मेरे प्रियो। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो मसीह हमें नहीं दिखाई देगा मेरे प्रियो। आज हमें जागतिक प्रार्थना दिन के निमित्त में मुझे विश्वास है कि अगर हम प्रेम से एक दूसरे का अगर सह लेते हैं और उसकी गुलाहट के अनुसार अगर हम चलते हैं और उसके अनुसार अगर हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही मेरे प्रियो हम अगला वर्ल्ड डे प्रेयर हमारे बेलानगर चर्च में मना पाएंगे। आमीन। प्रभु करे, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे सब चुनके द्वारा।